Security intensified across Srinagar ahead of polling on 30th April. Polling officers collected EVMs and polling materials. Security agencies have made adequate arrangements in wake of militancy in the region. Out of 15,046 polling booths, 1,021 have been identified as hypersensitive and 470 as sensitive. Srinagar constituency ka chunav kal hone ja raha hai aur isme 1546 polling booth hain jisme se 1021 hypersensitive categorized kiye gaye hain, 470 sensitive aur 55 normal. To jaisa ki aap dekh rahe hain ki maximum polling booths सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिसके लिए तकरीबन 200 से ज़्यादा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनीज पोलिंग बूथ्स पे और पोलिंग ड्यूटीज़ के लिए डिप्लॉयड रहेंगी. इसके अलावा दूसरी सुरक्षा J&K पुलिस और जो दूसरी सुरक्षा एजेंसीज है वो भी, जो दूसरी ज़रूरत हैं लॉ एंड ऑर्डर और काउंटर इंसर्जेंसी की जो ज़रूरत है उनको मीट करने के लिए दूसरी सुरक्षा एजेंसीज और फोर्सेज अवेलेबल रहेंगी. Meanwhile, militants in the area have called for a poll boycott. नहीं, डर तो है मगर क्या करें, मजबूरी है, सरकारी नौकर है, काम तो करना ही पड़ेगा. एक्चुअली डर कुछ था नहीं, लेकिन कुछ जो लास्ट फेज में हो गया यहाँ शुपियाँ वगैरह में, तो इस वजह से थोड़ा बहुत डर महसूस हो रहा है. नहीं, घर वाले तो मजबूर हैं बेचारे, उनको भी चलना है, उनको भी चलाना है, लिहाजा अपने लिए नहीं उनके लिए तो निकलना ही पड़ेगा. नहीं, जहाँ तक मेरी नज़र है अभी तक तो मुझे कुछ, अभी मैं सिर्फ यहाँ आया हुआ हूँ, इसके बाद की जो सिक्योरिटी है वो तो सरकार को ही पता होगा क्या उन्होंने किया होगा हमारे लिए, लेकिन अभी तक तो मुझे सिक्योरिटी के बारे में कुछ पता नहीं है, मालूम नहीं है. Polling in Srinagar is a challenge in itself for the security forces, especially in wake of recent killings in Shopian district. However, security agencies claim of holding peaceful polling. Whether polling will pass off smoothly or not is to be seen, but the spirits among the polling officers is really commendable.